ये रेट्रो स्नेक है, ये कौन सा सांप है? वाइपर है, वाइपर, वाइपर है। यस। जहरीला सांप है? जहरीला, जहरीला सांप है, ये जहरीला सांप है, ये बिल्कुल एक्टिव हालत में। ये नाजरी सांप है इसके अंदर, और ये वाइपर स्नेक है, जहरीला सांप है, ये कह रहे हैं। यानी ये वर्स है, सबसे बुरी चीज जो आपको खाने के लिए मिल सकती है वो सांप हो सकती है, तो वो भी आप लोग खा लेते हैं जी। ठीक है, और ये अभी आप हमें पका के दिखाएंगे और बड़ा टेस्टी होता है, जिस तरह मछली होता है, मछली खूब मछली की टेस्टी, सांप भी टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी। अच्छा नाजरीन, ये यहाँ पे सांप है और वो कह रहे हैं जी ये पका के दिखाएंगे। आप पहली दफा देखेंगे कि ये SSG कमांडो सब कहते हैं सांप खा लेते हैं, मेंढक खा लेते हैं, दांतों से खरगोश दिवा कर देते हैं, दांतों से मुर्गी दिवा कर देते हैं, उसको पका के ऐसे ही खा जाते हैं। इनको छुरी भी नहीं चाहिए होती बाद हालात में, और ये परिंदे बर्ड्स ये वो ऐसे ही खाते रहते हैं जंगल में, जब ये फंस जाते हैं तो उसका डेमो करके हमें यहाँ पे दिखाएंगे आज। अच्छा ये नाजरीन वो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे या डिस्कवरी टीवी पे आप देखते हैं इस तरह के मनाजिर, लेकिन वो इस तरह आपने कभी नहीं देखा होगा कि जिंदा सांप को इस तरह सबके सामने ये अब ज़बह करके खा के दिखाएंगे। ये सांप को बीच में से काट दिया इन्होंने, सर अलग कर दिया, अभी भी उसका सर भी मूव कर रहा है, अभी तक मूव कर रहा है, वो देखो। अच्छा इसके यहाँ सर में जहर है, सर में जहर होता है। अच्छा, और ये अभी काट सकता है? ये काट सकता है, ये आधे घंटे तक। इसका ये होना चाहिए कि जो इसको ज़बह करो तो इसके जो सर है ये दफना दो, सर फौरन दफना देते हैं। ये कितनी देर जिंदा रहता है ऐसे? तकरीबन आधे घंटे तक भी ये हो सकता है, ये यानी कोई इसके पास से गुजरे ये पांव में काट लेगा, ये किसी टाइम भी किसी को के ऊपर अटैक कर सकता है। अब उसकी खाल उतार रहे हैं सांप, ये बड़े माहिर अंदाज में नाजरीन इसका ये झिझक खत्म करने के लिए यहाँ पे खिलाते हैं सांप। ये कोई खुराक खिलाने का मकसद नहीं है यहाँ पे, खाने के लिए तो बहुत कुछ होगा, लेकिन ये देखें अभी भी मूव कर रहा है, ये देखें अभी भी मूव कर रहा है सांप, तो अब नहीं काट सकता, आपको मुंह ही नहीं है इसका। सांप अभी भी मूव कर रहा है, उसकी खाल उतर रही है। थोड़ा सा हिस्सा इसका, अच्छा आगे से और पीछे से दो हिस्सों से काटते हैं इसको। जनाब ये होता है कि सर के बाद तकरीबन 2 इंच का हिस्सा और दुम पे कोई 2-1 इंच का हिस्सा जिसमें जहर होता है, उस पॉइंट को जना आप काट देते हैं, और बीच में जो इसके एक लॉन्ग इंटेस्टाइन होता है उसको आप इसे निकालते हैं, बाकी बिल्कुल ये सांप आपके सामने इट इज एज गुड एज नॉर्मल गोश्त, ठीक है, और इसको बर्बी भी बनाकर आप आराम से खा सकते हैं। ये नरम गोश्त होता है, बिल्कुल नरम गोश्त। ये नाजरीन आपने देख लिया, ये मैंने तो पहली दफा देखा है इस तरह से कमांडो को सांप, 2 मिनट लगे उनको, उन्होंने उसका सर उतार के अलग किया, वो सर भी हिल रहा है। ये इस तरीके से जमीन खोद के इन्होंने सर को दफन कर दिया ताकि अब ये किसी को काट ना सके। ये अगर खंजर ना हो आपके पास तो ये दांतों से भी करते हैं काम? दांतों से तो शायद ना करें, पत्थर से करते हैं। पत्थर से? पत्थर को आपस में टकरा दो तो उससे वो तेज धार वाला जो पत्थर होता है मार दो और ज़बह हो जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास खंजर नहीं है तो आप पत्थर लेके पत्थर उससे पहले सर अलग कर देते हैं और उसके बाद दुम भी अलग कर देते हैं और फिर इसी तरह हाथ से खाल उतार देते हैं, खंजर के बगैर भी काम चलता है। ये नासिर साहब ये ट्रेनिंग सारे कमांडोज की होती है? ये वाली जितने भी कमांडोज ने ये विंग लगाए हुए, ये जितने भी सिपाहियों ने यहाँ पर ये विंग लगाए हैं वो सारे के सारे इस मरहले से गुजरे हैं, ये आपकी ट्रेनिंग का बुनियादी हिस्सा है। आपने भी लगाया हुआ? डेफिनेटली मैंने भी ये काम शाम किए और मैंने औरों को कराए भी हैं।
इसके अलावा अगर कोई और इस तरह की चीज़ आपके सामने आ जाए, परिंदा, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप उसको फौरन से पहले जाके ज़बह कर दें ताकि बाद में आपके खाने के बस काबिल हो वो चीज़, ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अभी चिकन बस मेरे सामने है। इसके तीन तरीके होते हैं इसको काटने के या ज़बह करने के। पहला तरीका जो हम बस अपनाते हैं उसमें ये होता है कि इसको आपने यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने इसको झटका दिया। झटका देने के बाद इसकी गर्दन टूट जाती है और उसके बाद जो है ये वहाँ पे मर जाती है। दूसरा जो तरीका होता है इसमें ये है कि चिकन को आपने अपने टांगों में इसके पर जाके रख दिए, ठीक है, और इसका इसके सर पे आपने यहाँ पे स्टिक जाके रख लिया। स्टिक को आपने इस तरह जाके होल्ड किया और उसके बाद आपने इसको यहाँ से जाके खींच दिया। इतने ज़ोर से आप इसको खींच लेते हैं कि इसका सर यहाँ पर और बाकी जिस्म सर से इसका अलग हो जाते हैं। जो तीसरा और सबसे क्रूअल तरीका है इसको डील करने का, उसकी प्रैक्टिस या उसका डेमो एक मैं आपको दूंगा कि अगर और कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं होती तो उस केस में आप अपने दांतों से कैसे इसको ज़बह करते हैं। इस तरह आपने इसका सर इसके जिस्म से अलग कर दिए। इवन इसका खून भी बाद में आप जाके पी सकते हैं। जिस तरीके से अभी मेरा एक जवान है जो इसका खून छून पिएगा, ये कहने के लिए कि कोर्स के दौरान भी जो है इसका खून हम अपने जवानों को पिलाते हैं। अच्छा, ये वो मुर्गी का खून पी रहे हैं जैसे कोई बोतल पीता है कोल्ड ड्रिंक। ये Oh my God, no way. बड़ा जबरदस्त है, नमकीन है। Oh my God. You know what you just did? Holy fuck. ये खुश किस्मतों को मिलता है, हर बंदे को नहीं मिलता।